Assalamu alaikum. Welcome to Logical Thinkers. This is HTML tutorial part 3. आज का जो टॉपिक है वो है हेडिंग्स का, कि हेडिंग जो है हम यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. अब फॉर एग्जांपल ये क्या है मेरा एक सिंपल स्ट्रक्चर बोलते हैं HTML के पेज का, ये वो है जिसमें जो है मेरे टैग्स इनिशियलाइज किए जाते हैं. सबसे पहले कौन सा है, डॉग टाइप HTML. ये क्या बताता है, ये जो है हमारा HTML वर्जन की इंफॉर्मेशन देता है ब्राउज़र को, ठीक है. उसके बाद कौन सा आता है, HTML का टैग. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है सारे टैग आते हैं, हेड का है, टाइटल का है, बॉडी का है. अच्छा, हेड के टैग में क्या है, हेड के टैग के अंदर है टाइटल. टाइटल क्या है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का जो है कोई भी नेम होगा वो टाइटल के अंदर आएगा. तो मैं क्या नेम रखता हूँ, या मैं इसको रखता हूँ, इसका नेम रखता हूँ माय वेबसाइट, ठीक है. ये क्या हो गया, मेरा टाइटल हो गया. मैंने इसको सेव किया डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट या फर्स्ट वेब के नाम से, और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट HTML. इसको सेव कैसे करूँगा, मेरी फाइल का नाम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डॉट HTML, ठीक है. और मैं सेव कहाँ कर रहा हूँ, डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, और मैंने ये सेव कर दी, ठीक है. ये मेरी फाइल आ गई, मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउजर पे. तो ये देखें, ये जो है मेरा टाइटल आ रहा माय वेबसाइट, ठीक है. अब मैं इसमें क्या लिखता हूँ, हेडिंग्स लिखता हूँ. हेडिंग्स कैसे यूज की जाती हैं, हेडिंग्स के जो हैं 6 लेवल्स होते हैं HTML5 में, जो है हेडिंग्स के 6 लेवल होते हैं. H1, ठीक है. ये मेरा आ गया ओपन टैग, और ये क्या आ गया फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज टैग. अब मैं इसको लिखता हूँ, दिस इज माई हेडिंग 1. ये क्या है मेरी H1, तो मैं इसको बोल रहा हूँ हेडिंग 1, ठीक है. अब इसको मैं करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ. मैंने इसको जो है 5 बार पेस्ट कर दिया. अब H1 की जगह इसको करता हूँ H2, इसको करूँगा H3, H4, H5 और H6. मैं इनको भी चेंज करूँगा, 6, 5, 4 और 3. अब ये मेरे जो है हेडिंग के जो है 6 लेवल्स हो गए. अब मैं इसको देखता हूँ, रन करके चेक करता हूँ. मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे और यहाँ से क्या किया, अपना पेज रिफ्रेश कर दिए. तो ये देखिए मेरे पास जो है 6 हेडिंग्स आ गई. सबसे जो H1 थी उसका साइज़ जो है सबसे बड़ा है, और जब मैं आगे बढ़ता गया H2, H3, H4, तो उनका साइज़ जो है छोटा होता गया. अब मैं कुछ, अब H2 में लिखता हूँ मैं हेडिंग 2, H3 में लिखूँगा हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 पर सेव किया, और मैंने इसको दोबारा पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है. ये कौन सी है मेरी हेडिंग 1, जिसका साइज जो है सबसे बड़ा है. उसके बाद क्या है, हेडिंग 2 है, फिर क्या है, हेडिंग 3, 4, 5, 6. तो हेडिंग्स जो हैं इसलिए यूज़ की जाती हैं HTML में, कि फॉर एग्जांपल आपने जो है कोई भी टॉपिक लिखना है तो पहले जो है उसकी एक हेडिंग आती है, और उसके बाद क्या आता है, उसका कंटेंट आता है, टेक्स्ट आता है. फॉर एग्जांपल उसके बाद क्या है, मुझे जो है कोई पैराग्राफ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, ओपन टैग पी और फिर क्लोज टैग, ठीक है. पी फॉर क्या है, पैराग्राफ. ये हो गया मेरा ओपन टैग और ये हो गया मेरा क्लोज टैग. अब इसके अंदर लिखूंगा मैं जो भी मेरा कंटेंट होगा, जो भी मेरा टेक्स्ट होगा वो इसके अंदर आएगा. अब मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, और फिर मैंने इसको जो है सेव कर दिया. मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, इसको जो है रिफ्रेश करूंगा, ये देखें ये शो हो गया पैराग्राफ, ठीक है. और ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये है सबलाइम टेक्स्ट. आप जो हैं काफ़ी सारे आते हैं और भी यूज़ कर सकते हैं,
एडोब ड्रीम व्यूवर है और वीडियो स्टूडियो कोड है, इसके लिए जो है काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक जो है हेडिंग्स था और पैराग्राफ था। आज का टॉपिक जो है ख़त्म हो चुका है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।